अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रुखसाना सीज। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार किस्म का देसी मुर्गा। इसके लिए हमें चाहिए एक देसी मुर्गा और प्याज दो दरमियानी साइज की बारीक बारीक कटी हुई, 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट, नमक हस्बे जायका, हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला, टमाटर 3 अदद मैंने बारीक बारीक कट किया है, लेकिन मैं इनको चॉपर में इनका पेस्ट बना लूँगी, हरी मिर्चें बारीक बारीक कटी हुई 6 से 7 अदद, हरा धनिया ये हम जब डालेंगे उसी वक्त इसको कट करेंगे। मेरी रेसिपीज बहुत ही इजी और बहुत ही मुनासिब मसालों वाली होती हैं और मज़ेदार होती हैं। मैं एक्स्ट्रा मसाले यूज़ नहीं करती, इसलिए कोई भी आराम से जो मेरी रेसिपीज़ होती हैं वो बना सकता है। तो चले चलकर तैयार करते हैं। जी तो यहाँ हम लेंगे एक कढ़ाई। वैसे तो ज़्यादातर लोग कुकर में इसको बनाते हैं क्योंकि ये देर से गलती है, लेकिन जो सही तरीका है वो यही है कि इसको हम कढ़ाई में बनाएंगे। तो पहले इसमें इसको कुछ कर लें। ठीक है, सबसे ज़रूरी चीज़ ऑयल। ऑयल हम आप एक प्याली ले लें, ऑयल को ऐड करेंगे। सबसे पहले जो चीज चाहिए वो है जीरा। जीरे को हम हल्का सा फ्राई करेंगे इसमें ऐसे। जीरा हमारा हल्का सा फ्राई होते हैं तो हम इसमें ऐड करेंगे प्याज को। प्याज को हम गोल्डन करेंगे। तभी प्याज हमारा अच्छी से गोल्डन हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट और साथ ही इसमें जाएगा हमारा करेंगे हम फ्राई लगता था।
ये सही है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। अगर आपने यखनी निकालनी है तो फिर आप मिर्चों को ऐड नहीं करें, वो हम भुनाई के बाद ऐड करेंगे। अभी सिर्फ नमक और हल्दी को ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी को, एक जग पानी। अब मैंने ऐड किया है एक जग पानी और लाल मिर्च पाउडर मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि मुझे पहले यखनी इसमें से निकालनी है थोड़ी सी। और अगर आपने यखनी नहीं इस्तेमाल करनी तो फिर आप लाल मिर्ची पहले ऐड करें। और अब जब हम टमाटर डाल के भुनाई करेंगे उस वक्त मैं लाल मिर्ची ऐड करूंगी। अब हम इसे गलने के लिए ढककर रखेंगे। जब तक ये गल नहीं जाती तब तक हम वेट करेंगे। जी तो व्यूअर्स, चिकन हमारा गल चुका है और अब मैं ये जो यखनी है इसको अलग करूंगी और चिकन को अलग, क्योंकि हमें चिकन की थोड़ी भुनाई करेंगे। इस टाइम पे आपने अगर यखनी पीने के लिए भी निकालनी है तो आप वो यूज कर सकते हैं। तो यखनी हमने अलग कर ली। अब मैंने टमाटरों का इस तरह से पेस्ट बना लिया, अब वो ऐड करेंगे। तो अब टमाटर का पेस्ट डाल के मैं इसकी बनाई कर रही हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्ची, क्योंकि पहले हमने ऐड नहीं की थी। अब जाएगा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा इसमें मैं ऐड करूंगी ऑयल, हमने इसकी बनाई करनी है। जाएगा इसमें ऑयल और अब हम इसकी करेंगे भुनाई। अब से अच्छे से बनाई करेंगे हम इसकी, और जब बनाई थोड़ी सी रह जाएगी तो हम इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे। जी तो बनाई करते हुए अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ हरी मिर्चें और अब मजीद बनाई होगी इसकी। बुनाई हमारी बहुत अच्छे से हो चुकी है। अब मैं इसमें जो यखनी हमने निकाली थी वो ऐड करूंगी। चलो अब हम इसे 10 मिनट मजीद बनाएंगे और फिर हमारा मुर्गा तैयार। जी तो सालन हमारा रेडी है। अब हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे और अब हम चूल्हे की फ्लेम बंद कर देंगे। एक बार मिक्स करेंगे और इसको ढक देंगे। मजेदार किस्म का देसी मुर्गा हमारा तैयार है। अब हम इसमें धनिया ऐड करेंगे। मेरी रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताया करें कि कैसी बनती है।
पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।